तभी हम देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्विजिशन रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन ऑफ immovable property outside India. ठीक है, तो ये प्रोविजन क्या है? प्रोविजन ऐसा है कि आरबीआई कहता है, फर्स्टली अगर आप एक पीआरआई हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो आप इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी इंडिया से पैसा भेज के एक्वायर नहीं कर सकते. ओके, तो पीआरआई कैन नॉट एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी without RBI permission. So ये कहता है RBI, you cannot acquire a immovable property outside India without the RBI permission. पर फिर रिजर्व बैंक ने बोला कि कुछ चीजें excluded है. Okay, there are certain things excluded, that is excluded from restrictions. तो कुछ चीजें excluded हैं. क्या excluded है? पहली बात, अगर आप एक person resident in India हो, जो actually किसी foreign state में रहने वाला person है, मतलब क्योंकि आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहे हो इसलिए आप इंडिया में हो, लेकिन एक्चुअली आप फॉरेन नेशनल हो, तो आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है. आरबीआई बोलता है जब प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो उसमें मैं क्या बोलूं, है तो यू कैन हैव, यू कैन एक्वायर, यू कैन कीप योर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया. व्हाई? बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट इंडियन नेशनल, यू आर अ फॉरेन नेशनल, बट जस्ट बिकॉज यू स्टे हियर फॉर 182 डेज यू बिकम अ पीआरआई. ओके, सो अगर आप पी आर आई बन गए हो, बट एक्चुअली आरबीआई बोलता है एक्चुअली यू आर अ नेशनल ऑफ फॉरेन स्टेट. सो इफ यू आर अ नेशनल ऑफ अ फॉरेन स्टेट, ओके, दे कैन हैव प्रॉपर्टी outside India. ठीक है, so if you are a national of a foreign state then you can have the property outside India. RBI allow करता है. Plus उसी तरह दूसरी चीज, that is RBI कहता है कि अगर आप एक PRI हो, person resident in India. ठीक है, ये पीआरआई आप कब थे? ये पीआरआई आप थे 8 जुलाई 1947 के पहले. उस टाइम इंडिया के अंदर देखो हुआ क्या था कि हमारा इंडिपेंडेंस का बातचीत है ना, 1947 में ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी जुलाई में, इसीलिए वो 8 जुलाई की डेट ली गई थी. इनफैक्ट फ्रीडम हमको जुलाई में मिलने वाला था, लेकिन वो डिविजन करना था कि पाकिस्तान किधर होगा. उस टाइम पे दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, तो वो जो डिवीजन था उसके वजह से इंडिपेंडेंस का डेट आगे शूट अप हुआ था. बराबर 14th अगस्त को फाइनली वो डिवीजन कंप्लीट हुआ था. क्लियर? सो 14th अगस्त को वो डिवीजन कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद हमारे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एग्री किया कि हम बनाएंगे अपना इंडिपेंडेंस 15th को.
पाकिस्तान ने बोला हम बनाएंगे अपना इंडिपेंडेंस 14th को, जिस दिन मिला। सो इस तरह से चीजें हुई थी। तो ये जो टाइम था 8 जुलाई 1947 के पहले, अगर आपने इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो चलेगा, वो प्रॉपर्टी अगर आपके पास आज भी है चलेगा। आरबीआई बोलता है इंडिपेंडेंस से पहले की है तो आप रख सकते हो, ठीक है। बाकी जब मैं पुराने टाइम पे टेक्स्ट बुक्स पढ़ता था स्कूल की, तो उस टाइम पे पढ़ता था कि मिस्टर सुभाष चंद्र बोस इज इन इंडिया लीडिंग डाउन अ प्रोटेस्ट, नेक्स्ट चैप्टर पहुंचा सुभाष चंद्र बोस इज इन रशिया, सरप्राइज, नेक्स्ट चैप्टर सुभाष चंद्र बोस इज इन जापान। अरे यार, ये आदमी को पासपोर्ट चाहिए कि नहीं, ये कैसे चले जाता है? फिर बहुत टाइम के बाद रियलाइजेशन हुआ, उस जमाने में पासपोर्ट एक्ट नहीं होता था, ब्रिटिशर्स कॉलोनीज हुआ करती थी, पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं होती थी। तो 1947 के पहले आप इंडिया के बाहर ब्रिटिशर्स के नाम पे निकल जाते थे, सब अलाउड था, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट ही नहीं था, ये वीजा वीजा सिस्टम ही नहीं था। आप इंडियन शिप्स में या प्लेन्स में उड़ के आप बाहर निकल जाओ, निकल गए। और हुआ क्या था, उस टाइम पे बहुत सारे लेबरर्स और जनों को ब्रिटिशर्स खुद अपने साथ इंडिया के बाहर ले गए थे। मॉरिशस ऐसे ही डेवलप हुआ है, उधर इंडियंस कैसे पहुंचे, दे वो इंडियन लेबरर्स ब्रिटिश लेके गए, और ब्रिटिश तो वहां से चले गए, वहां पे इंडियंस रह गए, आज वहां के रिच पर्सन हो गए। ओके, सो ये चीजें उस 1947 के पहले का पूरा एपिसोड ऐसे गया था, समझा। इसीलिए इंडिया के बाहर उस टाइम पे प्रॉपर्टी एक्वायर करना भी काफी सारे इंडियंस के लिए एक्सेसिबल हो गया था, स्पेशली जो इंडिया में रिच फैमिलीज से थे, वो लोग इंडिया के बाहर एक का दो प्रॉपर्टी तो रखते ही थे, ठीक है। इसी वजह से आरबीआई को कहना पड़ा कि 8 जुलाई 1947 से पहले जितने भी लोगों के पास प्रॉपर्टी थी रखो, अलाउड है, ठीक है। सो यहां पर ये भी बोल दिया गया कि इफ इट इज प्रॉपर्टी पीआरआई हु एक्वायर्ड property who acquired property outside India on or before 8th of July 1947 ओके, सो इस साल से पहले भी अगर आपने इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी रखी है, ओके, कैन हैव प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। चलो, कैन कीप प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। सो अभी भी आपको इंडियंस में ऐसे कई जन मिल जाएंगे जो 1947 के पहले के जिंदा लोग हैं, अभी भी कई जन जिंदा है, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है, कई जन अभी भी जिंदा है, ओके। सिर्फ 25 साल और, उसके बाद हमारी सेंचुरी हो जाएगी, और फिर हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा होता था, ऐसा होता था, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचेगा तब के लिए, तब बोलने के लिए सिर्फ बातें रह जाएंगी, ओके। ये अमेरिका में देखा गया है कि जब उनको एक सेनेटरी, एक सेंचुरी हो जाती है, तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सिर्फ बातें रह जाती है, ठीक है। बट रियलिटी क्या थी, नोबडी नोज, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई इंडियन इंडिया के बाहर, लेट्स से यश राज बैनर में एक नई पिक्चर इंडिया के बाहर, तो अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा है शूटिंग के लिए, अब शूटिंग के लिए घर थोड़े टाइम के लिए चाहिए, प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए चाहिए, तो आरबीआई ने अलाव रखा है कि इंडिया के बाहर अगर आप शूटिंग या ऐसे किसी भी पर्पस के लिए जा रहे हो जो बिजनेस ओरिएंटेड है, 5 साल लीज पे प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर ले सकते हो, ओके। और यश राज प्रोडक्शंस वाला ऐसे ही करता था, इंडिया के बाहर जाता था DDLJ, एक पूरा घर ले लो, लोकेशन लो, मस्त चलाते जाओ, बस यूरोप की लोकेशन में पूरी पिक्चर बन जाती थी, ठीक है। So that is a third thing which is allowed, कि अगर PRI इंडिया के बाहर सिर्फ लीज पे लेना चाहता है, but not exceeding 5 years,
property outside India on leases not exceeding 5 years, okay, is allowed. So RBI ने पहले तीन चीजें allow कर रखी है कि अगर आप इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी लेना चाहते हो लीज वगैरह पे, अच्छा चलेगा, वो भी चलेगा, ओके, क्लियर. नाउ दैट अपार्ट, थर्ड थिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है, थर्ड थिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरे हाँ गौरी, ओके चलो. सो यहां पर हम ऐसी सिचुएशन पे आते हैं जहां पे पीआरआई मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लेता है, लेकिन इस बार आरबीआई बोलता है कि ये जो एक्विजिशन है वो इनहेरिटेंस या गिफ्ट के थ्रू हुआ हुआ है या फिर कोई ऐसे मोड से जो आरबीआई तुम्हें अलाउ करता है. तो एक्विजिशन और ट्रांसफर अलाउड टू पीआरआई. सो ऐसे कौन से एक्विजिशन, कौन से ट्रांसफर है जो पीआरआई को अलाउड है? सो लेट्स सी. एक पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया के बाहर से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया कैन रिसीव इन इनहेरिटेंस. गॉट इट? सो इंडिया के बाहर से प्रॉपर्टी, किसी के मरने के बाद, अंकल आंटी ये वो के बाद, उसको अगर विल या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली, आरबीआई बोलता है चलेगा. क्यों? आरबीआई का कोई पैसा नहीं जाता है ना, चलेगा. जब तक आरबीआई का रिजर्व्स कम नहीं हो रहा है सब चलेगा. जब आरबीआई का रिजर्व्स कम होगा, आप इंडिया के बाहर पैसा लेके जाना चाहते हो, तब आरबीआई रोकता है. ठीक है, बाकी दूसरी चीज आरबीआई ने अलाउ कर रखी है, वो ये है कि अगर आप इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी आरएफसी अकाउंट से एक्वायर करना चाहते हो वो भी चलेगा. देखिए, दैट इज पीआरआई, पीआरआई कैन यूज आरएफसी अकाउंट टू एक्वायर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया. ठीक है, आउटसाइड इंडिया. और ये हुआ भी था, हमारा एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने एक शूटिंग चल रही थी मिडिल ईस्ट की तरफ, दुबई के आसपास की, और उसने, वो पिक्चर का नाम भी क्या था, एक था टाइगर, वो शूटिंग चल रही थी. तो उस टाइम पे उसने, क्योंकि मिडिल ईस्ट के उस जगह पे स्टे नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने दुबई में आरएफसी अकाउंट से घर खरीद लिया. अब घर खरीद लिया, आरबीआई को इंटीमेशन देना पड़ेगा, सब इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. सारा इंफॉर्मेशन भेजा, भाई आरएफसी अकाउंट हैज बीन यूज फॉर सच अ बिग अमाउंट, ओके भेजा. लकीली बस प्रे करते रहे कि आरबीआई की क्वेरी ना आए, नहीं आई. और उसके शूटिंग पिक्चर रिलीज के 2 साल के बाद उसने घर बेचा, सारा पैसा वापस से रेमिट किया आरएफसी में. सो इस तरह से अगर आप इंडिया के बाहर आरएफसी अकाउंट यूज करते हो खरीदने के लिए प्रॉपर्टी, आरबीआई बोलता है चलेगा, टू द एक्सटेंड ऑफ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स, वो भी चलेगा. ठीक है, वही चीज आरएफसी बोलता है, ये बोलता है कि अगर आप इंडिया के बाहर सी पॉइंट पीआरआई, अगर वो इंडिया के बाहर टू द एक्सटेंट ऑफ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भेज के प्रॉपर्टी खरीद सकता है तो वो भी चलेगा. दैट इज कैन परचेज प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया
they can purchase property outside India out of the remittances under liberalized remittance schemes okay with or without or rather just a minute out of remittances from the liberalized emission aise kar do with or without nahi in consolidation with LRS of relatives. So अगर आप इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हो ठीक है आउट ऑफ रेमिटेंसेज ऑफ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यू कैन एक्वायर. अब सवाल उठता है सर पापा एंड मम्मी पापा का 250 मम्मी का 250 तो शुड आई काउंट 250 और 5 पापा को 250 अलाउड है मम्मी को भी 250 अलाउड है दोनों कमाते हैं दोनों के पास एलआरएस के हिसाब से अकाउंट्स भी हैं. अब वो इंडिया के बाहर दुबई में घर लेना चाहते हैं तो शुड आई काउंट द लिमिट एज 250 प्लस 250 और कंबाइंडली 250 नहीं जो अगर मैं दोनों जॉइंटली लेते तो ओके आरबीआई ने बोला है आप रिलेटिव्स के साथ ज्वाइन कर सकते हो और आपकी लिमिट कंसोलिडेट होके 250 प्लस 250 हो जाएगी क्योंकि पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट 250 है. ओके सो अलाउड है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन. और अगर आपका इंडिया के बाहर का कोई भाई बहन रहता है ओके भाई बहन रहता है उसके साथ मिलकर आप घर लेते हो ले सकते हो जब इंडिया में ले सकते हो तो बाहर क्यों नहीं ले सकते. सो PRI can jointly acquire property with relatives who is PROI. ठीक है सो आप अपने भाई बहन जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनसे भी ये प्रॉपर्टी ले सकते हो. ठीक है और आरबीआई कहता है कि अगर तुम इंडिया के बाहर रहते थे और इंडिया के बाहर से तुमने पैसे कमाए कॉन्ग्रेचुलेशन आप वो पैसों से भी ले सकते हो क्योंकि वो तो आपकी हार्ड अर्न मनी है जो आप इंडिया के बाहर के बैंक अकाउंटों में रख के रखे हो यूज दैट कोई इशू नहीं. ओके सो या फिर अगर आपके पास इंडिया के बाहर की कोई प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी बेच के जो आपको पैसा मिला उससे आपने दूसरी प्रॉपर्टी ली चलेगा क्योंकि आपने कोई भी पैसा इंडिया लाया नहीं कोई पैसा इंडिया से लेके गई नहीं. ठीक है सो आरबीआई दोनों ही रूट में आपको अलाउ करता है दैट इज पीआरआई ठीक है कैन एक्वायर प्रॉपर्टी आउट ऑफ इनकम अर्नड अब्रॉड और आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी sold overseas ठीक है. सो आप इंडिया के बाहर इस नेचर में प्रॉपर्टी एक्वायर
कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। प्लस ये हो गया तीसरी बात। चौथी बात, आरबीआई कहता है अगर आप बिजनेस यूनिट्स रखते हो, दैट इज बिजनेस पर्सन हो, तो इंडिया के बाहर आपके स्टाफ के लिए रहने का घर, फैसिलिटीज वगैरह, उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए। आरबीआई ने आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लिया है, बिजनेस के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस से जुड़ी हुई है एक्वायर कर सकते हो, अलाउ कर दिया है वो भी। तो दैट इज द फोर्थ पर्पस, दिस वॉज द थर्ड वन, राइट। या द फोर्थ पर्पस इज दिस, ये कहता है कि यू आर अ इंडियन एंटिटी, यू आर अ इंडियन एंटिटी, ठीक है, having overseas office, having overseas office, ठीक है, acquiring property, acquiring property for business and residential purpose, so acquiring the property for business and residential purpose of staff okay is allowed by RBI, ठीक है। सो अगर आपके पास ओवरसीज ऑफिस है और आप अपने स्टाफ के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेते हो तो अलाउड है। ठीक है, अलाउड है। अब एक बात आती है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो क्या यह प्रॉपर्टी आप किसी दूसरे को गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में दे सकते हो, दैट इज यू आर अ PRI, ठीक है। जैसे आंसर मी दिस, यस, एक एग्जांपल, ओके, एक पर्सन है वीरू, वीरू इंडिया के बाहर चला गया था 1947 से पहले, बिफोर 1947, और इंडिया के बाहर जाके उसने घर वर बना दिया लंदन में मस्त। वीरू का बेटा अजय, ये उसका बेटा है, ओके, अजय को भी उसने बोला कि आ जा इंडिया के बाहर। उस टाइम की पिक्चर का बहुत पुराना डायलॉग था ये, अजय का डायलॉग था, माँ और मुल्क बदले नहीं जाते। उस टाइम पे थिएटर चलते थे ना, थिएटर में सीधा है ना, लोग ऐसे सीटी बजाते थे, ऐसे लेके जोर से बॉटल पड़ते थे, साला डायलॉग मारे लाए, वंस मोर ऊपर वाले को बोलते वंस मोर प्ले करो। सो दैट यूज टू बी अ थिएटर टाइप ऑफ थिंग, अभी आजकल वो तो आपको दूर दूर तक नहीं दिखता, इट्स नेटफ्लिक्स, लेकिन उस टाइम के रियल टाइम थिएटर्स होते थे ना, उसमें ऐसा ही होता था, डायलॉग वाली पिक्चरें ढूंढते थे हम लोग, और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा, ऐसे जो डायलॉग वाली पिक्चरें होती थी ना, ऐसी पिक्चरें बनती थी, क्योंकि हर डायलॉग पे जोरदार सीटियाँ बजती थी, हर जोरदार डांस पे डांस होता था, लोग हेलेन का डांस देखने और थिएटर में डांस करने जाते थे। तो ये एक जमाना हुआ करता था, ठीक है। सो अजय वीरू का बेटा, अजय तो प्रो पैट्रियोटिक इंडियन, नहीं छोड़ के जाऊंगा इंडिया। हुआ क्या, इंडिपेंडेंस आ गया, अजय इंडिया में रहा। अजय के दो बेटे हुए, प्रतीक एंड कार्तिक, ठीक है, प्रतीक एंड कार्तिक। अब क्या वीरू अपनी प्रॉपर्टी जो लंदन की है अपने बेटे अजय को गिफ्ट या इनहेरिटेंस में दे सकता है? यस, ही कैन गिव बाय गिफ्ट या इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या अजय ये लंदन की प्रॉपर्टी अपने बच्चों को गिफ्ट या इनहेरिटेंस में दे सकता है? यस, एक PRI लंदन की प्रॉपर्टी 1947 की भी दे सकता है गिफ्ट या इनहेरिटेंस में। ठीक है, यहां तक कि क्या वीरू अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गिफ्ट या इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी दे सकता है?
गिफ्ट और इनहेरिटेंस ग्रैंड चिल्ड्रन को, ठीक है। अभी प्रतीक की शादी हो गई है, प्रतीक के पास एक प्रॉपर्टी का हिस्सा है जो लंदन का है, क्या प्रतीक अपनी वाइफ कोमल को गिफ्ट और इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी दे सकता है? क्या ये गिफ्ट या इनहेरिटेंस में दे सकता है? The answer is yes. इसका मतलब प्रतीक इज अ PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, शी इज ऑल्सो PRI. एक PRI दूसरे PRI को इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी गिफ्ट या इनहेरिटेंस में दे सकता है। वही बात अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ रही है। तो अगर आपको किसी को भी प्रॉपर्टी मिली है इंडिया के बाहर की, तो आप भी किसी को ट्रांसफर कर सकते। लेट सपोज अगर आपके पापा को किसी की प्रॉपर्टी मिली है जो जाने से पहले वो अगर आपके नाम पे ट्रांसफर करके जाते हैं, कैन डू दैट गिफ्ट या इनहेरिटेंस में, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट। ये फोर्थ था ना, हाँ फिफ्थ वन। गिफ्ट या इनहेरिटेंस में आपके पैटर्नल और मैटर्नल दोनों अंकल दे सकते हैं, या वो भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं जिनको तुम अंकल बना देती हो। ऐसा कोई राइट नहीं, सबको इक्वली, बस रिलेटिव का टैग होना चाहिए। यस, ओके। इसलिए जगह जगह घूमो, राखी बांधती बहनो। ठीक है, सो दैट वॉज फिफ्थ वन। RBI इस केस में कहता है कि जो भी PRI है, PRI, ओके, एंड दिस PRI हैज एक्वायर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो जिस PRI के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, वो PRI, ओके, वो PRI के पास दो ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सेज, that is can transfer property by gift or inheritance or inheritance to another PRI, ठीक है, दे सकता है। और दूसरी बात कैन क्रिएट चार्ज और मॉर्गेज, उस प्रॉपर्टी पे चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट कर सकता है एज पर एक्ट और रेगुलेशंस एंड इंटीमेट RBI। ठीक है, सो कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी दे सकता है, ओके, इंडिया के बाहर। सो PRI एक्वायर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट और इनहेरिटेंस टू PRI, and can create a mortgage as per the act of regulations, okay, and yes, lastly reserve bank kya bolta hai ki koi bhi person koi bhi immovable property jisne bina FEMA ke compliance ke acquire ki hai, aage wo transfer, gift, inheritance kuch nahi kar sakta, okay, so ye restriction dalta hai, that is holding immovable property
होल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी और इट्स ट्रांसफर और इट्स ट्रांसफर. ओके, इफ नॉट एज पर फेमा देन शैल नॉट बी परमिटेड टू एक्वायर और ट्रांसफर. सो अगर कोई प्रॉपर्टी एज पर फेमा आप होल्ड नहीं करते तो वो प्रॉपर्टी ना तो आप होल्ड कर सकते हो ना ही आप ट्रांसफर कर सकते हो. ना तो आप होल्ड कर सकते हो ना ही आप ट्रांसफर कर सकते हो. क्लियर? ना उनको नहीं लगेगा, लेकिन आज जिसको मिलेगी उसको तो लगेगा. ठीक है, डन दिस मच. सो एक्विजिशन न्यू ओडीआई रूल्स के हिसाब से क्या क्या चीजें याद रखने का. पीआरआई जो भी है, ही कैनॉट एक्वायर द इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया विदाउट आरबीआई परमिशंस. यहां तक कि एक्सक्लूडेड रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से पीआरआई जो नेशनल है किसी फॉरेन स्टेट का, दे कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. पीआरआई जिसने एक्वायर की है प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया 8 जुलाई 1947 के पहले, ही कैन कीप द प्रॉपर्टी, नो रिस्ट्रिक्शंस. यहां तक कि पीआरआई जिसकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाद सिर्फ 5 इयर्स लीज पे एक्वायर की जाती है, उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो भी ये प्रॉपर्टी रख सकता है. अगर आपने एक्विजिशन और ट्रांसफर इंडिया के बाहर किया है तो उस पर बेसिक रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई के क्या है. पीआरआई इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी रिसीव करता है इनहेरिटेंस से, अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीआरआई अगर आरएफसी अकाउंट यूज करके इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, आरबीआई बोलता है इंटीमेशन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीआरआई चाहे तो इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकता है जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में रेमिटेंस है उतने लिमिट तक, प्रोवाइडेड अगर वो अपने रिलेटिव के साथ खर्चा करता है तो 5 लाख 5 लाख यानी 2 लाख 50 को जोड़ के 5 लाख तक का खर्चा कर सकता है. पीआरआई अगर जॉइंटली इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं रिलेटिव्स जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनके थ्रू भी कर सकता है. पीआरआई चाहे तो इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी ऐसे भी एक्वायर कर सकता है विच इज अर्नड इनकम, अपने ही पैसे से कमाया हुआ, या इंडिया के बाहर उसने कोई प्रॉपर्टी बेची है उस प्रॉपर्टी से भी वो ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है. इंडियन एंटिटी जिनकी ऑफिस इंडिया के बाहर है वो अपने बिजनेस और स्टाफ पर्पज के लिए प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर एक्वायर कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यहां तक कि अगर आप इंडिया पीआरआई इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करके रखा हुआ है तो वो प्रॉपर्टी वो गिफ्ट या ट्रांसफर में दूसरे किसी पीआरआई को भी दे सकता है, यहां तक कि उस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज या चार्ज एज पर एक्ट और रेगुलेशंस क्रिएट कर सकता है. ओके, प्लस इंडिया के बाहर कोई भी प्रॉपर्टी जो बिना फेमा रेगुलेशंस के या बिना आरबीआई डायरेक्शंस के एक्वायर की गई है या ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है, आरबीआई उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है. ओके, बाय चांस अगर आपने ये वॉयलेशन किया तो ये मैटर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को रेफर कर दिया जाएगा, उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर सकता है. इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि आरबीआई के दिए हुए कंप्लायंस एंड फेमा रेगुलेशंस कंप्लाई होने चाहिए. समझा? फाइन, अब आते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स पे. एक और पार्ट आता है जैसे जिसका डिस्कशन है, क्या इंडिया के बाहर ट्रस्ट एंड सोसाइटी इन्वेस्टमेंट कर सकता है. इंटरेस्टिंग, सोचो एक ट्रस्ट एक सोसाइटी. अच्छा भाई, बाय द वे जिस ट्रस्ट एंड सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, एजुकेशनल ट्रस्ट या फिर मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह उन ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ. जनरल ट्रस्ट अलाउड नहीं है, भगवान वाली ट्रस्ट ये वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं. एजुकेशनल ट्रस्ट और एनी काइंड ऑफ ट्रस्ट जो हॉस्पिटल चलाती है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग एरिया में हो, जैसे नाम सुना होगा लिच्छत पापड़ एंड ऑल दिस थिंग. सो ये ट्रस्ट या सोसाइटीज क्या इंडिया के बाहर बिजनेस सेंस में या प्रमोशन ऑफ चैरिटी चैरिटेबल प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल पर्पसेस इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? आंसर इज येस. इनफैक्ट ये चीज
आज के नए एनपीओ रेगुलेशंस को देख के बनाई है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे उधर एक नया कंसेप्ट डेवलप किया गया है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इस नए कंसेप्ट की वजह से अब इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट और ऐसे एंटिटीज भी एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, उसी को ध्यान में रखते हुए ये ओडीआई के रेगुलेशंस में ये प्रोविजंस बनाया है। तो अब ये कैसे क्या, बहुत सारी चीज़ें, बट ठीक है, हम लोग सिर्फ रेफरेंस ओवरव्यू के तौर पे पढ़ रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव द डेप्थ ऑफ द सिलेबस। यूएस में उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ है, यूएस से ही फंड्स रेज करके। इंडियंस गए हैं, इंडिया का पैसा नहीं, समझा? सो ट्रस्ट वगैरह की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। दैट इज कॉल्ड ओडीआई बाय रजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटी। ठीक है, सो यहां पर जो रिक्वायरमेंट्स है उनको ऐसे रखा है। पहली बात, ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बाय द वे, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इंडियन ट्रस्ट एक्ट में होता है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू होता है। तो ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट एंड सोसाइटी भी इंडिया में है लेकिन उनको हम इंडिया के बाहर पैसा देने का अलाउ नहीं करते। सो ये चीज सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि ट्रस्ट और सोसाइटी, ट्रस्ट और सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, दूसरी बात, हमने ट्रस्ट एंड सोसाइटीज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल्स वगैरह में है उनको ये परमिशन दे रखी है और बाकी एज पर आरबीआई डायरेक्शंस। ठीक है, सो ट्रस्ट और सोसाइटी एंगेज्ड इन एजुकेशनल सेक्टर्स और हॉस्पिटल्स और एज पर आरबीआई डायरेक्शंस आर परमिटेड ओडीआई। ठीक है, सो ट्रस्ट एंड सोसाइटीज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल्स या फिर एज पर द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई, इवन दे कैन मेक ओडीआई नॉर्म्स। ठीक है, फाइन, ट्रस्ट एंड सोसाइटी की चीजें, कुछ चीजें ध्यान रखने का। अब जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड सोसाइटी इंडिया के बाहर करेंगे वो उसी सेक्टर में करेंगे जिस सेक्टर में वो खुद है। मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया के बाहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकता है, एक हॉस्पिटल इंडिया के बाहर हॉस्पिटल ओपन कर सकता है, लेकिन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया के बाहर जाके किसी दूसरे सेक्टर में पैसा नहीं डाल सकता, स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट है। तो आप अपना सेम सेक्टर इंडिया के बाहर प्रमोट कर सकते हो। उसी तरह अगर आप यहां पर विमेन अपलिफ्टमेंट एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस चलाते हो, जैसे मैंने आपको बताया लिच्छत पापड़ वाले, उन्होंने बिजनेस एक ट्रस्ट के फॉर्म में शुरू किया था जहां पर वो पर्टिकुलरली विमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करते थे। तो अगर वो इंडिया के बाहर भी जाएंगे तो उनको विमेन एम्प्लॉयमेंट एंड विमेन अपलिफ्टमेंट के ऊपर ही काम करना होगा, उसी नेचर में वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उसके सिवा दूसरा नहीं। तो दैट इज अ थर्ड रिस्ट्रिक्शन दे हैव टू टेक केयर ऑफ, दैट इज ट्रस्ट और सोसाइटी, ट्रस्ट और सोसाइटी कैन फॉर्म फॉरेन एंटिटी ओके
which is engaged, which is engaged in the same sector as Indian entity. ठीक है, सो ट्रस्ट एंड सोसाइटी वही बना सकते हैं जो इंडियन एंटिटी के साथ एंगेज हो. ठीक है, आरबीआई कहता है अगर ट्रस्ट एंड सोसाइटी को यह पैसा इंडिया के बाहर भेजना है तो पिछले 3 साल का फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करो कि आप इस एक्टिविटी में 3 साल से एस्टैब्लिश प्लेयर हो, तो ही इंडिया के बाहर भेजना अलाउ करूंगा, तब तक नहीं. ठीक है, सो दैट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन. ट्रस्ट और सोसाइटी should be in existence for at least 3 financial years and shall submit at least 3 financial years, financial results to RBI. ठीक है, सो कम से कम 3 साल से उनका एंगेजमेंट हो, 3 साल से ये रहे. अब ट्रस्ट एंड सोसाइटी इंडिया के बाहर अगर फंड्स भेज रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो चेक करना ये कि क्या उनके ट्रस्ट डीड या उनके बायलॉज के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं. अगर उन्होंने जब ये ट्रस्ट डीड या बायलॉज बनाए थे उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी थी, तो भाई पहले तो ट्रस्ट डीड और बायलॉज चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो चेंज नहीं होगा पैसा इंडिया के बाहर नहीं बेच सकते. ओके, बहुत से ट्रस्ट लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है कि विदाउट द परमिशन ऑफ ट्रस्टीज एंड अदर बेनिफिशरीज द ट्रस्ट शैल नॉट डील इन फॉरेन एक्सचेंज और सेंड मनी और रेमिटेंसेज आउटसाइड इंडिया, ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है. तो भैया ये रिस्ट्रिक्शन है, क्लॉज हैज टू बी मॉडिफाइड, नहीं तो आप ये फंड्स नहीं बेच सकते. ठीक है, आज के टाइम पे जो मॉडर्न ट्रस्ट बन रही है उस टाइम पे एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हम लोग ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि ये लोग इंडिया के बाहर रेमिटेंसेज भेज सकते हैं, तो हमारे क्लॉजेस फॉर ओवरसीज रेमिटेंस हम लोग ड्राफ्ट करके डाल के रखते हैं उसमें. ठीक है, सो दैट इज ट्रस्ट डीड और सोसाइटी बायलॉज मस्ट परमिट ODI abroad. ओके, एंड एक कंपनी हो तो कंपनी में एक काम मेरे लिए आसान हो जाता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, लेकिन अगर एक ट्रस्ट एंड सोसाइटी हो तो मैं कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाऊंगा? ओके, द क्वेश्चन इज रेलिवेंट. एक ट्रस्ट एंड सोसाइटी हो तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, क्योंकि एक कंपनी में तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाता है. तो ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज का रेजोल्यूशन होता है और सोसाइटी में गवर्निंग कमिटी. ओके, आपके सोसाइटी में भी एक कमिटी होगी तो गवर्निंग कमिटी उसका रेजोल्यूशन होता है. ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन के बिना पैसा नहीं जा सकता. दैट इज The trustees in trust or governing committee in society shall pass resolution for remittances
अंडर ODI. सो मुझे ये रेजोल्यूशन चाहिए रेमिटेंसेस करने के लिए, ये होगा तो ही काम होगा, ठीक है. और लास्टली RBI कहता है कि क्या आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, इनसे स्पेशल लाइसेंस मिला है जिस चीज को आप इंडिया के बाहर करना चाहते हो. अगर आपको रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से लाइसेंस मिला है तो आप इंडिया के बाहर जरूर जा सकते हो, ओके. या मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन, मिनिस्ट्री फॉर डीलिंग इन हॉस्पिटल्स, मेडिसिन वगैरह, उनसे, ठीक है, जो भी है. सो इन केस ट्रस्ट और सोसाइटी रिक्वायर्स एनी स्पेशल लाइसेंस और परमिट्स, देन इट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर रेमिटेंसेस अब्रॉड, ठीक है. सो अगर आपको कोई स्पेशल लाइसेंस चाहिए तो वो लाइसेंस आपने ड्यूली ऑब्टेन्ड कर लिया है. ये बात क्लियर हुई एवरीवन? क्लियर? ट्रस्ट वगैरह कैसे इंडिया के बाहर बेच सकते हैं? पिछले कुछ अटेम्प्ट में ये क्वेश्चंस काफी पॉपुलर रहा है, ओके. जैसे जस्ट टू शो यू, हाँ, समथिंग लाइक दिस. आदर्श एजुकेशन सोसाइटी वॉन्ट्स टू सेंड मनी इन US. एलिजिबिलिटी फॉर ट्रस्ट, एलिजिबिलिटी फॉर ट्रस्ट, एलिजिबिलिटी फॉर ट्रस्ट, एलिजिबिलिटी फॉर सोसाइटी. तो पिछले कुछ अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर रहा है, बंद कर दें, ओके. सो ट्रस्ट एंड सोसाइटीज के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखने का है? ट्रस्ट एंड सोसाइटी के लिए ध्यान रखना, द ट्रस्ट और द सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड, ओके. दे मस्ट बी अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट एंड सोसाइटी. दे हैव टू बी आइदर एंगेज इन एजुकेशनल सेक्टर और द हॉस्पिटल सेक्टर और एनी ऑफ द सेक्टर विच इज परमिटेड बाय द डायरेक्शंस. ट्रस्ट एंड सोसाइटी जो भी बनाता है दैट हैज टू बी एंगेज इन द सेम सेक्टर जिस सेक्टर में आप इंडियन सोसाइटी रखते हो या इंडियन ट्रस्ट रखते हो, प्लस कम से कम 3 years का एग्जिस्टेंस साबित करो एंड 3 years की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो सबमिट करो. प्लस ट्रस्ट एंड सोसाइटी मस्ट बी परमिटिंग दैट जो भी आपके बायलॉज या ट्रस्ट डीड है उसकी परमिशन मिलनी चाहिए. ट्रस्टीज जो ट्रस्ट में होते हैं या फिर सोसाइटी में जो गवर्निंग कमेटी है उन्होंने रिक्वेजिट रेजोल्यूशंस पास किए हैं. इन केस ट्रस्ट एंड सोसाइटी को स्पेशल लाइसेंस लगते हैं तो उन्होंने रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लाइसेंस ऑब्टेन किए हैं तो ही वो रेमिटेंसेस इंडिया के बाहर कर सकते हैं, ठीक है. फाइन. अभी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स अगर कर रहा है कोई PRI, लेकिन कहां पर? IFSC में, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखने का? ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर. बाय द वे IFSC हमारे उधर अगर देखना हो तो GIFT करके देखना. GIFT की इमेजेस आपको अच्छे से गूगल पे मिल जाएगी. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर्स है वो, आपको वहाँ पे काफ़ी IFSC बने हुए हैं. सो उसी तरह के IFSC इंडिया में और भी बन रहे हैं, जो जैसे UP साइड पे भी बन रहा है. वंस इट इज डन उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी. सो आपको इमेजेस से आइडिया मिल जाएगा किस तरह के IFSCs होते हैं. वहाँ पे काउंटर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स बनती है, काफ़ी चीज़ें. सीप्स नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है लेकिन सीप्स नहीं है, ओके. सो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जब हम इंडिया के बाहर करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने का, स्पेशली जब हम ODI IFSC की तरफ करते हैं. सो overseas investments
जिसको ओआई बोलते हैं, इन आईएफएससी बाय पीआरआई। ओके, सो इस आईएफएससी की तरफ मूव करने के लिए सबसे पहले आरबीआई बोलता है दैट द ओआई शैल बी मेड एज पर द रेगुलेशंस एंड रूल्स, जो हमने सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में देखा था, ओआई रूल्स, ओआई रेगुलेशंस, ओआई डायरेक्शंस। तो सबसे पहले जो रूल्स देखे थे उसी के हिसाब से, सो ओआई शैल बी मेड एज पर डायरेक्शंस और रूल्स और रेगुलेशंस इन फेमा। सो उस डायरेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस के हिसाब से आपका ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स होगा। दूसरी बात, जब आप ओडीआई करते हो आईएफएससी की तरफ, तो इन दैट केस क्या आपने उस फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर का परमिशन लिया है जिसमें वो आईएफएससी रजिस्टर्ड है? ओके, सो उसके लिए 45 डेज में आपको अप्रूवल लेना चाहिए। सो ये भी बात क्लियर की है, दैट इज फॉर ओडीआई इन आईएफएससी। मेक एप्लीकेशन, मेक एप्लीकेशन टू फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। सो यू बेटर मेक एन एप्लीकेशन टू द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, और ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर आपको परमिशन देना चाहिए। ओके, इन 45 डेज परमिशन विल बी ग्रांटेड और इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड अप्रूव्ड। सो 45 डेज के अंदर परमिशन मिल जाएगी, या फिर पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड अप्रूव्ड। इसके अंदर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आराम से ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे आपको देखनी है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे आपको देखनी है, वो ये है कि जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, वो चाहे इंडिया के बाहर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करे या इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के थ्रू पैसा इंडिया के बाहर भेजे, ओके, तो ये इंश्योर करने का कि वो ओपीआई नॉर्म्स को कंप्लाई करते हुए, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कंप्लाई करते हुए भेजे। दैट इज, अगर पीआरआई, पीआरआई ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल व्हीकल इन आईएफएससी, देन ओपीआई रिक्वायरमेंट्स शैल बी मेट। ठीक है, सो अगर आईएफएससी में कोई फाइनेंशियल व्हीकल प्रोमोट किया गया है, जैसे हाइब्रिड काइंड ऑफ ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसा किसी आईएफएससी कंपनी ने प्रमोट किया है, और हमारे यहाँ से कोई आईएफएससी में उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमारे यहाँ से वो जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम लोग बोलेंगे ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, और उसके लिए फिर अपने को ओपीआई नॉर्म्स कंप्लाई करने होंगे। ठीक है, क्लियर। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर कोई रेसिडेंट
आईएफएससी में ओडीआई करता है, ओके, फाइनेंशियल सेक्टर्स की तरफ. सो इन दैट केस, ओके, इन दैट केस इस चीज का ध्यान रखने का कि उस आईएफएससी का इंडिया में सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, मेक ओडीआई इन आईएफएससी, मेक ओडीआई इन आईएफएससी, ओके, सॉरी, ठीक है, देन सच आईएफएससी शुड नॉट हैव सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरी आउटसाइड आईएफएससी, आउटसाइड आईएफएससी वेयर such a resident individual controls the foreign entity. ठीक है. सो अगर कोई resident individual यहां पे invest करता है तो इस चीज का ध्यान रखने का, ध्यान क्या रखने का है, ध्यान ये वाली बात रखने का है दैट इज एग्जाम्पल के लिए आईएफएससी कंपनी है, आईएफएससी, ठीक है, अगर पीआरआई इस आईएफएससी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करता है, ये इंडिया में है, सो आईएफएससी की सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी इंडिया की तरफ नहीं होनी चाहिए जिसमें ये, जिसको ये कंट्रोल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो अगर इंडिया की तरफ आपने सब्सिडरी रखी है और वो रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडिया की सब्सिडरी को कंट्रोल करता है तो एज अ रिजल्ट वो तो आईएफएससी से डायरेक्टली रिलेटेड हो गया, तो ऐसे पर्सन का इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं है. समझा. तो पीआरआई, लेट सपोज मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर है सब्सिडरी का और वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है आईएफएससी में, अब है तो वो इंडिया में और बाजू वाले आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आरबीआई बोलता है ये तो आप अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आई कैन नॉट कॉल दिस एज इन्वेस्टमेंट ओवरसीज. समझा. तो ये है आईएफएससी. हाँ, आईएफएससी की कोई सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी इंडिया में है और पीआरआई उसको कंट्रोल करता है तो ये तो आप अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग आउटसाइड. समझा. तो ना तो कोई स्टेप डाउन सब्सिडरी इंडिया की तरफ होनी चाहिए, पर अगर है भी तो जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, चाहे शेयर होल्डिंग वे चाहे कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट. ठीक है. एंड फोर्थ हो गया, फिफ्थ वन. अच्छा, बाय द वे,
इट इज एज गुड गुड एज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो फिर इसको मैं ओडीआई थोड़ी ना बोल सकता हूँ, बराबर। अच्छा, फिफ्थ में आईएफएससी में बीएससी और एनएससी ने भी अपने यूनिट्स डाल रखे हैं, दैट इज कॉल्ड बीएससी आईएफएससी सेंटर, जहां पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स आता है। ओके, फोर्थ पॉइंट वापस से समझ लो। अच्छा, यू वांट टू सी इट, देख लिया। अभी बीएससी एनएससी ने आईएफएससी सेंटर्स में वहां पर अपने खुद के स्टॉक एक्सचेंज के डिवीजन रखे हुए हैं, एज अ रिजल्ट इंडिया के बाहर से इन्वेस्टमेंट्स वहां पे आते हैं। अगर आप कभी गुजरात के जीआईएफटी नॉर्म्स पे जाओगे, वहां पे आपको बीएससी टावर्स और एनएससी टावर्स दोनों दिखेंगे। उन वहां पर मेजर रूटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट तीन जगह से होती है, दुबई, सिंगापुर और जापान। ये तीन जगह से काफी इन्वेस्टमेंट मूव होते हैं, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, वो भी एक फोर्थ प्लेयर है, लेकिन वो भी एक अच्छा प्लेयर है। लंदन अमेरिका भी इस समय आ चुके हैं। बाय द वे, जीआईएफटी में आपको स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बिल्डिंग दिखती है, मेरिल लिंच उसकी पूरी बिल्डिंग दिखती है, तो वो लोग प्लेयर्स भी आ गए हैं। मैकिंजी, उन्होंने भी बिल्डिंग डाली, गोल्डमैन सैच, उन्होंने भी बिल्डिंग डाल दी है। तो इन शॉर्ट ये सब इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के प्लेयर्स हैं। ओके, अभी इंटरेस्ट जिसने दिखाया है वो है एनवाईएससी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आईएफएससी इंडिया की तरफ अपनी डिवीजन डालना चाह रहा है। और दूसरा इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट क्या, वो तो काम पक्का ही हो गया, दुबई आबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज, वो भी आईएफएससी में अपनी पूरी ब्रांच खोल रहा है। तो अगर आप आईएफएससी की तरफ काम कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, यू विल बी अर्निंग अ हैंडसम पे ओवर दैट साइड। आप इंडिया में ही काम कर रहे हो, बट येट योर पे कुड बी काउंटेड इन डॉलर्स, क्योंकि वहां पे जो काम करते हैं ना, उनकी पेमेंट इंडियन रुपीस में नहीं होती है, वो डॉलर पर आवर रेट पे चल रही है। ओके, दे गिव यू इन इंडियन रुपीस। इंडियन आईएफएससी में बिल्कुल काम कर सकते हैं, क्योंकि आईएफएससी इंडिया में ही है। एग्जैक्टली, तो उनका है, वो तो इंडिया, लेबर तो इंडिया का ही रखते हैं ना, दैट इज हाउ इट इज। द लेबर फोर्स इज स्टिल इंडियन, दे ओनली हैव द टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ओके, सो एज अ रिजल्ट वहां पे भी जाके आप काम कर सकते हो, और एक्चुअली काम कई लोग कर भी रहे हैं। ओके, सो इसके लिए आईएफएससी सेंटर्स की तरफ फिफ्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन जो ये डाला है कि अगर हमारे यहां से स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज अ फिफ्थ वन, दैट इज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज डिविजन इन आईएफएससी। ओके, विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज आईएफएससी एक्सचेंज। आईएफएससी एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट्स इन इट इज ट्रीटेड एज ओआई। ठीक है, सो आरबीआई ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की तरफ इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो इसको हम लोग आईएफएससी एक्सचेंज करके काउंट करेंगे, और इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। करेक्ट, तो ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, जो इंडिया के अंदर रहते हुए आप इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो ओवरसीज है। क्लियर, समझा? सो ये आईएफएससी के पॉइंट्स है, ध्यान रखना। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससी में एज पर डायरेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो भी ओडीआई करता है आईएफएससी की तरफ, दे हैव टू मेक द एप्लीकेशन टू द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। 45 डेज में एप्लीकेशन का अप्रूवल हो जाता है, अगर नहीं भी किया इट इज ट्रीटेड एज डीम्ड अप्रूवल। पीआरआई इन्वेस्टमेंट्स इन व्हीकल इन आईएफएससी अगर करना चाहे तो ओपीआर रिक्वायरमेंट्स या ओडीआई रिक्वायरमेंट्स मीट करनी चाहिए।
रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर ओडीआई आईएफएससी की तरफ मूव करता है तो एक चीज ध्यान रखने का कि आईएफएससी का सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी इंडिया की तरफ नहीं हो, और अगर है भी तो वो रेसिडेंट इंडिविजुअल का उस सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी पे कंट्रोल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का डिवीजन अगर आईएफएससी की तरफ है और हम अपना इन्वेस्टमेंट्स उस आईएफएससी एक्सचेंज की तरफ करते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज ओडीआई, दैट इज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, वेरी गुड। तो ये पार्ट हो गया कि इन्वेस्टमेंट्स आप आईएफएससी की तरफ कर सकते हैं तो किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा।